करके बाद कोई आधार नहीं बचल घर में, कोई काम करने वाला नहीं है। कोई ओकर अलावे हमरा नहीं छे बेटा, 15 साल का मेरा बेटा कोई जिकुर। देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बहन जो है अपना क्रियाकर्म का सारा धर्म निभा रही है, जो कि होना चाहिए। एक नौजवान बहन की, जो सबसे बड़ी बहन थी, उनके साथ ये घटना हो गई है। वहाँ पर देख सकते हैं क्रियाक्रम चल रहा है। हम उस बेटे से भी मिलवाएंगे जो कि कम उम्र में अपनी माँ का यहाँ पर देख सकते हैं श्राद्ध कार्यक्रम सब कुछ कर रहा है और चेहरे पे इसकी मासूमियत है। ड्यूटी से देर रात लौटने के बाद गोली चलाएगी उस पर। कहाँ पर घटना हुई थी? हमारे आनंदपुर गेट से अंदर आने के लगभग 10 फीट की दूरी अंदर आने के बाद। यही वो स्कूटी है जो नेहा कुमारी चलाती थी और देर रात तनिष्क शॉप से वो जब घर लौट रही थी तब अनंतपुर चौक के पास वहां पर अपराधियों ने गोली मारकर इसकी हत्या कर दी। और 5 बहन पर एक भाई था, उसमें से एक ये चली गई, जो कि पूरा परिवार का यहां पर ये ख्याल रखती थी और अपनी बहनों की शादी तक का खर्च जो है अपने हिम्मत के बदौलत ये रखना सा बच्चा है इस उम्र में, जो कि पढ़ने लिखने का और घूमने का उम्र होना चाहिए, यहाँ पर क्रियाकर्म कर रहा है। तो ये स्थिति है बेगूसराय की, जहाँ दिन दहाड़े जब मन तब कोई ना कोई गोली चला देता है। ऐसा कोई दिन नहीं होता है जैसे हम जैसे लोग यहाँ पर आवाज़ उठाते हैं और यहाँ पर आकर इन लोगों की आवाज़ आप तक पहुँचाते हैं, हम नहीं। आप देख सकते हैं हम नेहा कुमारी के घर के पास हैं। एक नेहा कुमारी जो कि एक पूरा परिवार का बोझ उठाती थी, उसको लेकर यहाँ पर अपराधियों ने यहाँ गोली मार दी देर रात में, जो 3-4 दिन पहले की घटना है। और अब देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बहन जो है अपना क्रियाकर्म का सारा धर्म निभा रही है, जो कि होना चाहिए। एक नौजवान बहन की, जो सबसे बड़ी बहन थी, उनके साथ ये घटना हो गई है। वहाँ पर देख सकते हैं क्रियाक्रम चल रहा है। हम उस बेटे से भी मिलवाएंगे जो कि कम उम्र में अपनी माँ का यहाँ पर देख सकते हैं श्राद्ध कार्यक्रम सब कुछ कर रहा है और चेहरे पे इसकी मासूमियत है। और देख सकते हैं कि ये अभी स्थिति में है और कुछ लोग जो पत्रकार हैं उल्टा सीधा कुछ डाल दिए, लेकिन अपराधी इनके घर तक अभी मिला है कि नहीं मिला वो किसी ने कुछ नहीं बताया। पूरा घर मातम में है। ईशान सिंह, क्या हुआ था पूरा कुछ पता है? कौन क्लास में हो तुम? वन में। देखिए छोटा सा बच्चा, इनसे पूछना जायज़ नहीं है। और हम देखिए घर पे आए हैं, यहाँ पर क्रियाकर्म चल रहा है, इनकी माँ यहाँ बैठी हुई है और इनके साथ ये घटना हुई है और इनका पूरा बोझ जो है एक बड़ी घर की बेटी होने के नाते नेहा करती थी यहाँ पर, और नेहा के साथ जो घटना। नेहा के हत्यारे चाची अभी तक पकड़ाए हैं कि नहीं? मैं बेटा नहीं पकड़े अभी तक, तो बोझ उठाए कुछ चल मेरे बेटा ओकर गेला के बाद हमारा कोई आधार नहीं बचल छे। घर में कोई काम करने वाला नहीं? कोई ओकर अलावे हमरा नहीं छे बेटा, 15 साल का मेरा बेटा कोई जिकुर के नहीं छे। सौंसे घर के बाहर हमर थमने रहे, हम कुछ काल नहीं जमने रहिए 3.5 साल से हमारा घर में की होले नहीं होले केना होते। एक बेटे का फर्ज निभा रही थी वो, हमारा इतना बोझ उठेने रहे, हर चीज उठवे लो तैयार है उठेने उ रहा सब चीज उ कर के रख, हम केना बोझ उठेबे से हमरा नहीं पता लगे उ करे से केना की करबे। देख सकते हैं कि आंखों में आंसू क्यों ना आए, आज के दिन में रोजगार मिलने को कम ही मिलता है, लेकिन प्राइवेट नौकरी जो है में काम करती थी और पूरे परिवार का यहाँ पर खर्च उठाती थी और आज उसके साथ ये घटना हुई है। तो अब कौन हिम्मत करेगा इनके परिवार में बाहर काम करने का? काम करके लौट रही थी यहाँ पर और देख सकते हैं तस्वीरें वहाँ अभी तक अपराधियों की नहीं हुई है और लगभग ऐसी स्थिति है। हम यहाँ पर एक छोटी बहन है, उनसे हम बात करना चाहेंगे, क्या हुआ था पूरा मामला? ड्यूटी से देर रात लौटने के बाद गोली चलाएगी उस पर। कहाँ पर घटना हुई थी? हमारे आनंदपुर गेट से अंदर आने के लगभग 10 फीट की दूरी अंदर आने के बाद। तो आपकी भी शादी का खर्च वही उठाती क्या? हाँ, सब खर्च वही। हाँ, तो क्या लगता है कि मतलब इंसानियत जहाँ देखने को मिलता है, जो जितना जीवन में अच्छा करता है उनके साथ उतना बुरा होता है? बिल्कुल बुरा तो हो ही रहा है, बुरा हो रहा है बिल्कुल। कोई सहायता वगैरह कोई कुछ नहीं? कंपनी से कोई सहायता मिला? अभी तक तो नहीं मिला है, लेकिन अब आगे आश्वासन है। आश्वासन क्या चाहते हैं आप? अभी तक तो हम लोग इस मतलब मैटर में पड़े हुए हैं कि हम लोग उधर देखे भी नहीं, हम लोग क्या चाहेंगे आगे नहीं चाहेंगे, यही हम बोल सकते हैं कि पहले आरोपी पकड़ा जाए, हमको न्याय मिलना चाहिए। तो देख सकते हैं एक परिवार है जो कि न्याय चाहता है। कहानी बहुत सारी है, इकलौती कह सकते हैं जो काम करने वाली बहन थी। कितने बहन थे? 5 बहन पर एक भाई था, उसमें से एक ये चली गई, जो कि पूरा परिवार का यहाँ पर ये ख्याल रखती थी।
और अपनी बहनों की शादी तक का खर्च जो है अपने हिम्मत के बदौलत ये रखना चाहती थी, और उस परिवार को यहाँ पर अपराधियों ने जिस तरह से हमला किया, और मुझे लगता है पूरा परिवार बिखर चुका है। यहाँ क्रियाक्रम है, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। हमारा कहने का माध्यम ये था कि जो भी लोग हैं ऐसे ऐसे केसेस में थोड़ा सा दरिया दिली दिखाए, और इंसाफ, सिर्फ इनको इंसाफ चाहिए, इंसान लौटता नहीं है। और आप जैसे दर्शक मुझे कहे थे कि इनके घर की आवाज़ आगे जनता तक लाना चाहिए, क्योंकि इनका परिवार जो एकलौती लड़की होकर यहाँ पूरा घर चलाती थी, आज स्थिति में देख सकते हैं कि उनका परिवार चलाने के लिए अब कोई नहीं है। छोटा सा बच्चा है इस उम्र में, जो कि पढ़ने लिखने का और घूमने का उम्र होना चाहिए, यहाँ पर क्रियाकर्म कर रहा है। तो ये स्थिति है बेगूसराय की, जहाँ दिन दहाड़े जब मन तब कोई ना कोई गोली चला देता है। ऐसा कोई दिन नहीं होता है जैसे हम जैसे लोग यहाँ पर आवाज़ उठाते हैं और यहाँ पर आकर इन लोगों की आवाज़ आप तक पहुँचाते हैं। हम नहीं चाहते हैं अपराध हो, अपराध हम नहीं चाहते हैं, लेकिन क्या करें, अपराध इतना होता है कि दिखा दिखा के हम लोग थक जाते हैं। तो ऐसे ऐसे मामलात में इन लोगों को इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, इनकी आखिरी इच्छा है। और जो भी मदद करने वाले लोग हैं इनके साथ, अगर खड़ा होना चाहते हैं तो आ सकते हैं, इनसे मिल सकते हैं और इनके दुख दर्द को अपना समझ सकते हैं।